मैं हूं आपका मेजबान अरशद शरीफ और पाकिस्तान और भारत का आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। कहा जा रहा है कि फाइनल सुपर एट लीग में फाइनल से पहले पाकिस्तान और भारत का फाइनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान और भारत दो हमसाए, लेकिन जब भी पाकिस्तान और भारत क्रिकेट फील्ड में उतरते हैं तो पूरी कौम की सेंटीमेंट्स पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, जज्बात पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ होती हैं। इस मैच को हम अपने प्रोग्राम में भी आपके साथ लेके चलेंगे, देखते रहेंगे हर बॉल के साथ क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और साथ साथ इसका बैकग्राउंड भी आपको देते रहेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर नुमान न्याज साहब तशरीफ फरमाए, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और काफ़ी अच्छी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जानते हैं, उनके साथ तशरीफ फरमाए। आमिर बिलाल साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और दोनों पैनलिस्ट हमारे, इनकी एक अच्छी चीज़ है कि दोनों पढ़े लिखे एनालिस्ट हैं जो बैकग्राउंड भी रखते हैं इस बारे में। डॉक्टर नुमान न्याज साहब, जिस तरह से मैच का आगाज हुआ है उससे आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जैसे आपने प्रोग्राम का आगाज किया मैं समझा भी आप कहेंगे डिग्री तो कहें वेरिफिकेशन के लिए कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट पूछती है और उसके लिए पार्लियामेंटेरियन होना मेरा ख्याल इस वक्त पहली शर्त है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस मैच, जो टीम सिलेक्शन हुई है इंडिया की जानब से, ये एक एडेड एडवांटेज पाकिस्तान को जाना चाहिए। बिकॉज आप एक चीज गौर करेंगे, ये पिच जो है इस पे अभी तक 40 ओवर हो चुके हैं जो आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ इस ग्राउंड पे। सो आई पर्सनली फील के स्पिनर्स को निकालना जो उन्होंने किया है, महेंद्र सिंह धोनी ने, कोई चावला भी नहीं खेल रहे, हरभजन को भी ड्रॉप किया और उसके बाद लक्ष्मण प्रति बालाजी को खिलाना, दे शुड गो इन एडवांटेज एंड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। एक ट्रिकी चीज जरूर है कि आज रेन की फोरकास्ट है, 10% चांसेस ऑफ रेन, जहां पे टीम बैटिंग सेकंड उसको फायदा हो जाता है जब डकवर्थ एंड लुईस अप्लाई होता है। लेकिन हफीज ने जो डिसीजन लिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, दिस वाज द ओनली वे आउट फॉर टू रीजंस। एक तो आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान का जो कलैप्स देखा, 76/7 चेजिंग ओनली 133, दैट मस्ट बी ऑन हिज माइंड। पाकिस्तानीज कभी भी अच्छे चेजर नहीं रहे, हालांकि इस टूर्नामेंट में ट्वाइस दे चेज, एक वार्म अप गेम में और एक बांग्लादेश के अगेंस्ट, बट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग। सेकेंडली जो है एक और चीज जो शायद हफीज के जहन में हो वो यही हो कि इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, दे आर एक्चुअली प्लेइंग फॉर देयर सर्वाइवल। पाकिस्तान जो है आफ्टर साउथ अफ्रीका को जो डेंट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान हैज नाउ इज ऑलमोस्ट एट पार विद ऑस्ट्रेलिया अगर आप टेक्निकली देखें। सो आई पर्सनली फील पाकिस्तान गो के T20 क्रिकेट में अभी दो मैच ही हुए हैं और दोनों हार चुका है इंडिया से, बट वो बिल्कुल नेक टू नेक मैचेस थे और इंडिया की टीम तब डिफरेंट थी। ऐसे लग रहा है कि इंडिया में अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है एंड आई पर्सनली फील कि टुडे गो के ये 50-50 मैच होता है, बट स्लाइट एज अब पाकिस्तान की तरफ, स्लाइट एज पाकिस्तान के। आपने अभी टेक्निकल कुछ बातें की कि पाकिस्तान पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, खुदा ना खास्ता वर्स्ट के सिनेरियो के पाकिस्तान हार जाते हैं तो फिर सेमीफाइनल के कितने चांसेस हैं? देखें, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विल बिकम अ वेरी टफ आस्क और वो मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एसेंडेंसी पे, हालांकि जब ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो ICC रैंकिंग्स पे T20 में। डॉक्टर नुमान साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, नाजीन पाकिस्तान की पहली विकेट 17 रन पे गिर चुकी है, इमरान नजीर आउट हुए हैं 17 रन पे, पहली विकेट पाकिस्तान की गिर चुकी है और इमरान नजीर आउट हुए हैं। आमिर बिलाल साहब, 17 रन पे पहली विकेट गिर चुकी है, सवाल वही है जीतेगा कौन? देखिए, अब बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ऑलरेडी आपको डॉक्टर नमान ने आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक रनडाउन दिया है। मैं समझता हूँ ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है ये क्रंच मैच होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। अभी आपने देखा जो जिस बॉल पे इमरान नजीर आउट हुए हैं उन्होंने बहुत अक्रॉस द लाइन जाके खेला है, इस मैं नहीं समझता कि इतनी इस अभी एक दो ओवर्स के बाद ही इतनी अक्रॉस द लाइन जाके उनको खेलने की क्या जरूरत थी। अगर वो सीधा खेलते तो बहुत बेहतर शायद सूरत हाल पैदा हो सकती थी। इधर आमिर को एक मिनट जी इंटरप्ट करूंगा, इमरान नजीर 1994-95 हाउस बिल्डिंग से खेलते थे, 97 में फर्स्ट क्लास करियर का आगाज किया, तब से लेके आज तक आगे का गेंद वो क्रॉस कैंची बना के ही खेलते हैं। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो अब उनको ठीक ठीक करना और उसके अलावा ये एक चांस था जो हमेशा पाकिस्तान टीम इमरान के साथ ले रही है और समहा और अदर वो फायर नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में इतने बड़े मैचेस के अंदर आपको बड़ी कैलकुलेटेड से रिस्क लेने चाहिए हैं और मैं नहीं समझता कि इमरान नजीर ने कभी भी कुछ बहुत बड़े मैच में पाकिस्तान के लिए स्कोर किया हो। हल्की टीमों के अगेंस्ट अभी आपने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने स्कोर किया, लेकिन जहां पर भी जरा टीम टफ आएगी, जहां पर क्रंच मैच होगा वहां इमरान नजीर का फायर करेगा। आमिर बिलाल साहब, शाहिद अफरीदी इस वक्त बैटिंग के लिए आए, उनकी परफॉर्मेंस से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्या समझ रहे हैं आप कैसा रहेगा? देखिए, क्या अगर तो शाहिद अफरीदी इसके बैटिंग के लिए आ गए हैं तो मैं समझता हूं कि शायद कोई बहुत और आपके साथ ही पहली गेंद पे शायद अफरीदी ने चौका भी मारा है। जी, चौका बिल्कुल मारा है। आई विश बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज अगर ये इतना बड़ा खिलाड़ी है और इसको इस बड़े मैच में फायर
करना चाहिए अभी तक के पूरे टूर्नामेंट में? शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस इमरान नजीर की तरह अंडर माइक्रोस्कोप है, क्वेश्चन मार्क है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और अल्लाह करे कि आज शाहिद अफरीदी स्कोर करें, लेकिन स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, और स्टेटिस्टिक्स में आपको पता है डॉक्टर साहब से बेहतर शायद कोई और स्टेटिस्टिकली क्रिकेट को डिफाइन ना कर सके, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें शाहिद अफरीदी की क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन मार्क्स हैं, अल्लाह करे कि आज नुमान यासब इतना जैसे कि स्टेटिस्टिकली वो बात करें, एक तो हम आपसे शाहिद अफरीदी की स्टेटिस्टिक्स भी जानना चाहेंगे, और साथ T20 में 20 ओवर्स के लिमिटेड मैच में तो कहते हैं जिसका भी टुल्ला लग गया चल पड़ेगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट जी, काफी साइंटिफिक गेम होगी। अगर आपने देखा हो वेस्ट इंडीज वर्सेज श्रीलंका जिसमें मालिन सैम्यूल्स खेले, उन्होंने रन भी अचीव किए, और आज अगर आप मैच में देखें जब बिल्कुल साउथ अफ्रीका आउट ऑफ सोर्ट्स था, तो वो जो फरहान बेहारडेन उनके नए वेस्टर्न प्रोविंस के बैट्समैन हैं, उन्होंने भी बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली। इट्स नॉट लाइक स्लॉगिंग, आप रन्स जो हैं वो ऑफ द ऑन द ग्राउंड भी कर सकते हैं, इट इज अबाउट रोटेशन, और आप एक कैलकुलेट करते हैं फिगर कि आपने क्या करना है। अभी ये जो शाहिद अफरीदी का आना है जी, इसमें एक डाइसी सिचुएशन ये है कि एक तो शाहिद अफरीदी करियर एज ए बैट्समैन इज ऑन द वायर नाउ, क्योंकि वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मसला भी आया, शॉर्ट सिलेक्शन का भी मसला आया, लेकिन आज उनको नंबर 3 पे भेजने का मतलब है कि मोहम्मद हफीज जो है, क्योंकि अशद शफीक को उन्होंने नहीं खिलाया, इमरान नजीर पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया जो कि एक रोटेट कर सकते हैं स्ट्राइक, सो आज ही वॉन्ट्स पिंच हिटिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर अफरीदी फायर्स आफ्टर इमरान नजीर अगर वो नहीं चल पाए तो एक जो 175-70 जो आपके जहन में होगा टू पोस्ट अ बिग टोटल, दैट इज द रीजन प्रिसाइसली कि उन्होंने चांस लिया है विद शाहिद अफरीदी, बट टाइम हैज कम, जस्ट कंसिडर शाहिद अफरीदी एज अ राइट आर्म लेग स्पिनर, अगर चल गए तो चल गए, एज अ बैट्समैन डोंट काउंट ऑन हिम। और अच्छा, यहां पे मैं एक बात आगे कहना चाहूंगा, देखिए इतने बड़े मैच में इस किस्म के चांसेस देने के लिए आपने बहुत जाहिर सोच समझ के टीम कप्तान ने ये फैसला किया होगा, मेरे नजदीक कम से कम ये बहुत बेहतर होता कि अगर शाहिद अफरीदी को हम एज अ बॉलर ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो उनको आखिर के ओवर्स के लिए हम रखते, क्योंकि इस वक्त पावर प्ले चल रहा है और इसके अंदर जो फील्डर्स अंदर हैं, और शाहिद अफरीदी ने मेरे ख्याल एक और चौका मार दिया है, उन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन इसमें एक चीज और, सॉरी मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही आमिर कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास नंबर 3 पे बैट्समैन है वो नासिर जमशेद है, इस वक्त पाकिस्तान की टीम में बेस्ट मोस्ट स्टॉलिड किस्म का बैट्समैन है, जो एग्रेसिव भी है, जो छक्के भी लगाता है, जो के पेस भी करता है इनिंग्स को, और जो बहुत क्विक रन करता है। ओके, पिछले दो मैचेस में अगर आपने सस्टेन किया है T20 में तो वो नासिर की वजह से किया है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक रेकलेस उन्होंने स्ट्रोक खेला, वो लेफ्ट आर्म पे गेंद बाहर जब निकला तो वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट ऑस्ट्रेलियन सीरीज में अगर आप देखें और अभी इस T20 में जो बंदा रन्स कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है, और जो अच्छा आपको सॉलिड प्लेयर नजर आता है वो नासिर जमशेद है, सो नंबर 3 पे आज उनको मजीद नीचे लेके जाना ये बियॉन्ड माई लॉजिक है जी। इमरान नजीर को जस्टिफाई करने के लिए अगर आप नंबर 3 पे शाहिद अफरीदी को भेजेंगे, सो यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल रहे। अच्छा, इसमें दोनों टीम्स की आमिर बिलाल साहब स्ट्रेटेजी में क्या फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद हफीज की मैच से पहले स्टेटमेंट चल रही थी कि स्पिनर्स पे काफी इनसार होगा, जबकि नुमान नियाज साहब कह रहे हैं कि इंडियन टीम जो है वो इतना स्पिनर्स पे रिलाई नहीं कर रही इसमें। अर्शद साहब, बात यह है कि स्ट्रेटेजी तो बड़ी ऑब्वियस इसके नजर आ चुकी, पाकिस्तान चाह रहा है कि पहले 6 ओवर्स में ज्यादा ज्यादा स्कोर जो है वो बोर्ड पर प्लेस कर दे, और उसके लिए पिंच हिटिंग का कॉन्सेप्ट वो यूज कर रहे हैं, और इमरान नजीर के बाद जो शाहिद अफरीदी को भेजा गया, इससे ये ऑब्वियस हो गया है कि क्या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान लेके चल रहा है, और वो चाहेंगे कि कम अज कम 170-180 रन्स का टारगेट इंडिया को दें, क्योंकि इंडिया चेस करने में भी बहुत अच्छा है। इंडिया ने जो टीम सेलेक्ट की है उससे में मुझे जैसे कहा है चेस करने में अच्छा है। आमिर बिलाल साहब, यहां पे हमें एक कमर्शियल ब्रेक भी लेनी है। नाजरीन, इस वक्त 2.2 ओवर्स में पाकिस्तान ने 26 रन बनाए, 1 विकेट डाउन है पाकिस्तान की, मैच चल रहा है, साथ साथ आपको तजिया भी देते रहेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान भारत का मैच जारी है, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नुमान नियाज, हेड ऑफ कंटेंट है पीटीवी स्पोर्ट्स के, उनके साथ तशरीफ फरमाए आमिर बिलाल साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के, और हम मैच के बारे में उसकी निटी ग्रिटी आपको बता रहे हैं, नाइसिटीज बता रहे हैं, वो एनालिसिस बता रहे हैं, लेकिन फील्ड में जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त मैच देख रहे हैं, लाहौर में क्या सेंटीमेंट्स हैं, हमारे रिपोर्टर सनाउल्लाह लाहौर में मौजूद है। जी सनाउल्लाह, किस जगह मौजूद है और अब वहां पर क्या सेंटीमेंट्स हैं इस वक्त लोगों के? you
जी सनाउल्ला से हम कोशिश करते हैं हमारा रابطہ हो जाए। आमिर बिलाल साहब, आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे इंडियन टीम की, एक उनकी बैटिंग लाइनअप कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली एक टारगेट को चेस करना होगा। जी देखिए, इंडिया में बहुत अच्छे स्ट्रांग बैट्समैन मौजूद हैं और कोई वजह नहीं है कि वो इसको चेस करने की, जाहिर बात है कि बहुत भरपूर कोशिश करेंगे। उनके लिए तो डू एंड डाई है, उनके लिए ये मैच हमारे से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है, उनको हर सूरत में इस मैच को जीतने के लिए जाना है। अब ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त मैं समझता हूँ शाहिद आफरीदी के गिर्द घूमेगी, क्योंकि शाहिद आफरीदी की विकेट अगर खुदा ना खास्ता इस स्टेज पर गिर जाती है तो प्रेशर पाकिस्तान के बकिया खिलाड़ियों के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर शाहिद आफरीदी कुछ स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं और मजीद तीन से चार ओवर्स जो कि पिंच हिटिंग के लिए शायद आफरीदी पिछले ओवर में कुछ स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं दो चौकों के बाद। जी वो जाहिर है कि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, देखें कि जैसे बाहर जाती हुई गेंदें हैं उनको वो चेस करते हैं या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के ऊपर इस वक्त उनको थोड़ा सा खेलने में दिक्कत पेश आ रही है। तो ये सूरत हाल तो वाजिया है पिछले चंद मैचों से कि वो एक बैड पैच से गुजर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल को कैसे वो संभालेंगे और इस बड़े मैच में एक बड़े खिलाड़ी होने का वो कैसे सबूत देंगे, ये अभी हम अगले चंद ओवर्स के अंदर देख पाएंगे। डॉक्टर साहब, जो फैसला था बैटिंग पहले करने का, जैसे हम लाल साहब कह रहे हैं कि काफी स्ट्रांग इंडियन बैटिंग लाइनअप है, तो फैसला सही था बैटिंग पहले करने का? आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो यही है कि पहले बैटिंग करें और बड़ा टोटल करें, क्योंकि जो इंडिया की बैटिंग है उसमें अगर आप टॉप ऑर्डर से शुरू हो जाएं, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, सो और इवन इरफान पठान जो कि ओपन भी करते रहे, सो उनकी बहुत डेप्थ है बैटिंग की। इंडिया बैटिंग फर्स्ट और इंडिया बैटिंग सेकंड इतना मैटर नहीं करता, बट पाकिस्तान बैटिंग सेकंड, इसमें जिसने आमिर ने कहा इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आप पे इन्वॉल्व हो जाता है और पिछले ही मैच में आपने कॉन्फिडेंस लूज किया हुआ कि आपसे 133 चेज नहीं हो रहा था और वो एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू उमर गुल ने आके जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे एंड ही हेल्प यू टू विन दैट मैच। सो आई थिंक लॉजिकल रैशनल ये चीज है शायद अफरीदी की, क्रिकेट में कहते हैं लॉजिक और रीजनिंग बाज़ार काम नहीं आती, कोई भी क्लिक कर सकता है। हमारे रिपोर्टर सनाउल्ला आ गए हैं, डॉक्टर साहब मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। सनाउल्ला किधर मौजूद है और आप क्या सेंटीमेंट्स हैं इस वक्त लोगों के? सेंटीमेंट्स सनाउल्ला किस जगह पे हैं आप अभी? इस तरह लोग पुरजोश हैं और मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैच लाइव नहीं चल रहा लेकिन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों का क्रिकेट से लगाव, लोगों का क्रिकेट के साथ मोहब्बत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्क्रीन पर देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में शायकी यहाँ पर मौजूद है। टीम पाकिस्तान ने टॉस जीता तो काफी हल्ला गुला यहाँ पर हुआ, जब चौके लगे तो काफी जोश दिखाई दे रहा था, लेकिन इमरान नजीर के आउट होने पर थोड़े से अफसोस हुआ, लेकिन अफरीदी जैसे ही ऊपर आए और लगा शायकी इनको कि पाकिस्तान की हिकमत अमली काफी आज जो है अटैकिंग है और कोलंबो टेस्ट मैच पर जो है वो कब्जा करना चाह रही है टीम पाकिस्तान और अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ आए हम। शाइकिन आप एक शॉट के ऊपर आप देख सकते हैं शाइकिन का जोश और खरोश, हम मजीद इनसे बात करते हैं कि अफरीदी ऊपर आए हैं और अभी हफीज मौजूद है, इनको क्या उम्मीद है टीम पाकिस्तान से और इन बल्लेबाजों से, आप बताइएगा अफरीदी आ जाए आपको क्या उम्मीद है अफरीदी से? आपको अफरीदी जीत के जाएगा, सिक्स मारेगा और जीत के जाएगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीत के जाएगा। मजीद बात करते हैं, आप बताएं आज क्या उम्मीद है आपको? अफरीदी की सेंचुरी अभी करके दिखाएगा, अफरीदी सेंचुरी, उसको किराए बगैर हमने जाना नहीं आवाज है ना। यस, आप ये देख सकते हैं कि शायकिनों को आज अफरीदी से कितनी उम्मीद है, इनको लग रहा है कि बूम बूम आज बूम बूम जो है अपनी बैटिंग में करके दिखाएंगे और काफी पुरजोश है यहाँ पर शायकिन, उनको उम्मीद है कि ये जो हमेशा होता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हार जाता है आज ये रिवाज बदलेंगे, आज इंडिया को घर पे जाना है। जी सनाउल्ला बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपने देखा लोगों के जज्बात और शायद उम्मीदी शायद अफरीदी से काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं। देखिए उम्मीदें इसलिए लगाई हुई हैं कि शायद अफरीदी जब से उन्होंने करियर शुरू किया है 1996-97 और दूसरे ही मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया 37 बॉल 102 कर दिया था उन्होंने, 11 छक्के थे उस इनिंग में, उसके बाद से वो एक प्लेइंग फॉर द गैलरी और एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट बन गए क्रिकेट के। वो शायद अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिटिक्स को देखें एक ऐसा बैट्समैन जिसका सेटअप ही नहीं है, सेटअप क्रिकेट में होता है कि आप एक सेटअप होता है कितना स्टिल है, कितना आपका एल्बो है, कितना आप बॉल की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं। अभी भी ये जो बाहर की गेंदों पे बीट होते हैं उसका रीजन ये है कि इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पहले बहुत ज्यादा थी एंड एज एज इज कैचिंग अप वो चीज जब मिनिमाइज हुई थी क्योंकि टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है तो इनको दिक्कत होती है। सो इट्स नॉट ओनली आउट ऑफ फॉर्म, पे बुढ़ापा आता जा रहा है और उस वजह से मसाइल आ रहे हैं, हर प्लेयर पे आता है, लेकिन फैक्ट इज कि आज यही वाली बात है कि इट इज अ गैम्बल
और वही वाली आपने बड़ा अच्छा मैंने टैग लाइन पढ़ी है कहीं कितनी, कितनी क्रिकेट रहेगी शायद अभी नहीं तो कभी नहीं। सो इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ कि दिस इज द टाइम के क्रंच मैच में अगर वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं सो देन हिज वो डिसाइड होगा कि इनका करियर आगे कितना। आमिर लाल साहब पाकिस्तान के लिए की प्लेयर्स कौन से हैं इस मैच के? देखिए मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट तो इनके लिए नासिर जमशेद का बहुत बड़ा रोल होगा। नासिर जमशेद इस वक्त एक इनफॉर्म बैट्समैन है, गो के पिछले मैच में वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन टेक्निकली ही इज द बेस्ट बैट्समैन एट द मोमेंट। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर आप लोअर बैटिंग ऑर्डर में देखें तो उसमें आपके पास उमर उमर अकमल एक ऐसा बैट्समैन है जो आपको फंसे हुए मैच से निकालने की सलाहियत रखता है। और इसके अलावा आप पाकिस्तान के बाकी जो टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन हैं उसके अंदर हमारे जो प्रीवियस कप्तान थे पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अहम होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा और मैच की सूरत हाल जो है अभी तक मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ठीक जा रहा है। चार ओवर्स में अगर पाकिस्तान ने 34 रन बनाए हैं तो एक बहुत मुनासिब सूरत हाल है, और मजीद दो तीन ओवर्स के बाद हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि पाकिस्तान जो है किस तरफ को जा रहा है। लेकिन नासिर जमशेद जो आपने सवाल किया उसमें मेरे नजदीक नासिर जमशेद आपकी सारी बैट्स नासिर जमशेद पे हैं। आपके डॉक्टर साहब नासिर जमशेद जी अगर बैटिंग की पाकिस्तान की बात करें तो पिंच हिटिंग ऑफ शाहिद अफरीदी साइड इट विल डिपेंड अपॉन नासिर जमशेद के पाकिस्तान जो 150 और 170 तक जो टोटल पहुंचाना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नासिर जमशेद, और जिसने बहुत सही बात की क्लिनिकल फिनिशर हैं और समझते हैं T20 क्रिकेट को शुएब मलिक, सो वो भी एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट उनका रोल होगा। और मैं आपको एक बात करूंगा शायद आमिर मेरे से वो एग्री ना करें, इमरान नज़ीर आपको मैच जिता सकता है मैच हरवाता नहीं, लेकिन ये जो नाम मैं ले रहा हूँ जहाँ पर नासिर जमशेद आते हैं या शुएब मलिक या इवन उमर अकमल ये आपको मैच हरवा भी सकते हैं। सो इन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उमर अकमल ने पिछले मैच में अच्छी शॉट सिलेक्शन रिस्ट्रेन दिखाया है 43 जो किया था, तो लेट्स हो बट प्राइस प्रोडक्ट आपका जिस पे ये 170 175 180 का टोटल डिपेंड करता है अदर देन फायरिंग ऑफ शाहिद अफरीदी इफ इट वर्क्स दैट इज नासिर जमशेद। मैच हरवाने वाला प्लेयर कौन सा बनेगा? खुदा ना खास्ता अगर ये भी वर्स्ट केस सिनेरियो भी डिस्कस कर लेना चाहिए लेकिन आप देखें कि अभी कोई कुछ भी इसमें हो सकता है और गालिबन ये दूसरी और शाहिद अफरीदी आउट हो गए। ये जो 35 रन पे पाकिस्तान ने 4.4 ओवर और शाहिद अफरीदी जैसे आप दोनों कह रहे थे जी, और शाहिद अफरीदी जिनसे इतनी उम्मीदें थी हमने ग्राउंड से भी दिखाया लोग भी कह रहे हैं। जमशेद एक वाहिद प्लेयर है जो अब आपका होप है इस इनिंग्स में जी हाँ। बड़ा टोटल देखिए ये डिसीजन जो हमने गैम्बल किया मेरे नजदीक मैं जैसे कह रहा हूँ दोनों एनालिस्ट यहाँ पे हमारे पैनल में बैठे बता रहे थे ये चीज ये मुनासिब डिसीजन नहीं था और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर आउट हुए हैं, हुक करते हुए पुल करते हुए बेसिकली आउट हुए हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अब इनकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन उस लेवल की नहीं रही है। ये पहले भी कोई बहुत ज्यादा फुटवर्क के साथ नहीं खेलते थे, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन से खेलते थे, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में वो बात नहीं रहती है और फिर आप यकीनन शॉट सिलेक्शन का मसला आ जाता है, बॉलर्स को पता है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ। चले हम कराची चलते हैं, वहां पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वहां पे शाहिद अफरीदी के आउट होने के बाद क्या सेंटीमेंट्स हैं। जी किरण, शाहिद अफरीदी आउट हो गए हैं और क्या सेंटीमेंट्स हैं लोगों के अभी? जी किरण आपको आवाज आ रही है? दो विकेट जो है बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ आपको, इस वक्त पाकिस्तान की दो विकेट जो है वो गिर चुकी हैं, शाहिद अफरीदी भी पवेलियन वापस जा चुके हैं। बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं शाहिद अफरीदी से, आज भी उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए आज भी जो है उनसे एक्सपेक्ट जरूर किया गया था कि वो एक बड़ा स्कोर करेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो नहीं कर सके। यहाँ पर बिल्कुल लोग मौजूद हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अफरीदी वापस चले गए हैं, लोग थोड़े उदास जरूर हुए, लेकिन अभी भी आप देखें काफी ज्यादा जज्बा जो है वो नजर आ रहा है। शाहिद अफरीदी पर जरूर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब भी लोग कह रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो जरूर अपना किरदार अदा करेंगे और एक बड़ा स्कोर इंडिया को जो है वो चेज करेंगे।
जी किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपने मौसम की बात की थी कि 10% प्रिडिक्शन है वेदर की, और कुछ आपने कोई टर्म यूज की थी डकवर्थ लुईस, ये क्या बला है डकवर्थ? ये बहुत बड़ी बला है जी, वो तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। एक्चुअली डकवर्थ एंड लुईस जो है वो नंबर ऑफ ओवर्स को असेस किया जाता है, जितने ओवर्स रिड्यूस करते हैं उससे फिर टारगेट को मॉडिफाई किया जाता है। सो जो टीम बैटिंग सेकंड होती है उसका इसलिए फायदा हो जाता है कि अक्सर जो है वो नंबर ऑफ ओवर्स जो है उनको जब रिड्यूस किया जाता है तो टारगेट ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। सो इस वजह से बेनिफिट करती है जो टीम बैटिंग सेकंड। बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रूल है, साउथ अफ्रीका ने 1992 के वर्ल्ड कप में इसे बहुत ज्यादा सफर किया था। उनको 23 रन चाहिए थे जब बारिश हुई और 15 गेंद थे, और बाद में एक गेंद था और 23 रन ही चाहिए थे, एंड साउथ अफ्रीका वर डेंटेड आउट ऑफ दैट टूर्नामेंट। सो कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है बट अप्लाई होता है, और वोटेड इन रूल है, और ऑब्वियसली क्रिकेट का लेजिटिमेट रूल है। सो इट दिस इज हाउ कि आप जब आप बारिश हो जाती है तो टाइम एक पीरियड होता है, टाइम जोन होती है, उसमें जितने ओवर्स फिर हो सकते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, और मिनिमम ऑफ 5 ओवर्स का प्ले होना चाहिए टू कंटिन्यू एन इनिंग्स। T20 की बात करो सो उसमें ये वजह है कि अगर 20 ओवर्स हैं और अगर बारिश हो जाती है, फिर डिपेंड करता है 45 मिनट बारिश है तो 16 ओवर खेले जाएंगे, 1 घंटा 15 मिनट बारिश है तो वो 8 ओवर हो जाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि साउथ अफ्रीका श्रीलंका का इसी T20 में 7-7 ओवर का मैच भी हुआ, लेकिन अगर 5 ओवर से कम हो जाए फिर एक एक पॉइंट देंगे, जैसा आयरलैंड वेस्ट इंडीज का हुआ, तो फिर खत्म कर दिया जाता है मैच। राइट नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान का मुकाबला भारत मैच पे आपको तबसरे देंगे, और जैसे हमारे पैनलिस्ट आपको बता रहे थे एक एक प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में, इतना एक्सपर्ट इनका नॉलेज है, उससे आपको मजीद आगाह करते रहेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान का मुकाबला भारत मैच जारी है श्रीलंका में इस वक्त, और जिस तरह रिवायती तौर पे पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैचेस होते हैं, जिस तरह से आगाज हुआ उस तरह से लग रहा है कि ये एक टेंस मैच अभी तक डेवलप हो रहा है। आमिर बिलाल साहब, नासिर जमशेद का आप जिक्र कर रहे थे, आप दोनों बल्कि बैंक कर रहे थे कि ही इज द ओनली होप फॉर पाकिस्तान, इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो मैच में ही कैन बी अ विनिंग प्लेयर फॉर पाकिस्तान? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ही इज द ओनली होप फॉर पाकिस्तान, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट इनफॉर्म बैट्समैन एट द मोमेंट। इनके अलावा शुएब मलिक और एक और बैट्समैन उमर अकमल के साथ कामरान अकमल, और फिर यासिर अराफात, जिसको हमने एज एन ऑलराउंडर टीम में शामिल किया हुआ है, और आप उनसे अच्छे 20-25 रन्स की तवक्को कर सकते हैं। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस बॉल के साथ तो अच्छी है, लेकिन बैटिंग का उनको इतना मौका नहीं मिला, और अगर आज उनको मौका मिला तो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपके लिए एक अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। जो चीज़ इस वक्त नासिर जमशेद की आपने बात की है, इस वक्त अगर आपने देखा तो नासिर जमशेद ने कवर के ऊपर से एक शॉट खेला था। नासिर जमशेद बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो गेंद को बहुत लेट खेलता है, टेक्निकली बहुत करेक्ट है, और स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलता है, इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है, की प्लेयर है, इज वन ऑफ द की प्लेयर। अच्छा, डिसीजन, एक तो मैच टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है, दूसरा शाहिद आफरीदी को नंबर 3 पे भेजना, ये एक बहुत क्रिटिकल फैसला था, क्रिटिकल। शाहिद आफरीदी को नंबर 3 पे खिलाना बेहतर था इस वक्त? नहीं, कतर नहीं। देखिए, उन्होंने 14 रन डाले हैं, अगर आप देखें तो तकरीबन 2.25 ओवर्स खेले हैं वो, और उसमें 14 रन बनाए हैं। अब वन डाउन की पोजीशन सबसे क्रिटिकल पोजीशन होती है क्रिकेट में बैटिंग करते हुए, आपने उसके ऊपर एक आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को भेजा, उससे आपने 14 रन कराए, यही 14 रन अगर वो 19वें ओवर में या 20वें ओवर में पाकिस्तान के लिए करते तो उसकी सिग्निफिकेंस और होती, और वो शाहिद आफरीदी के लिए एक बेहतर चीज थी। नासिर जमशेद आउट हो गए हैं, जी हाँ, पाकिस्तान के 43/3 डाउन है, 6.4 ओवर हो गए, और नासिर जमशेद। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए नासिर जमशेद को अब जब आपने 2 विकेटें जल्दी गंवाने के बाद नासिर जमशेद को आप लाए तो यकीनन नासिर जमशेद के ऊपर प्रेशर था, ये क्रंच मैच जैसे मैंने आपको बताया प्रेशर का मैच है, और इसमें छोटी छोटी गलतियां बड़े डिसीजंस की सूरत में सामने आते हैं, लिहाजा ये छोटी गलती मैं कहूंगा शाहिद आफरीदी, क्योंकि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो छोटी गलती ही कह लें इसको कि आपने उसको वन डाउन पे खिलाया और उसके बाद आपके नेक्स्ट बैट्समैन पे प्रेशर था। जी डॉक्टर, आपकी नंबर 3 की इसलिए जस्टिफिकेशन नहीं थी कि नासिर जमशेद ने जो पिछला इंडिया के साथ मैच खेला एशिया कप में 100 किया हुआ था, उसके बाद वो करंट फॉर्म में इन फॉर्म आपका बैट्समैन जो कि रन कर रहा है, एमिरेट्स में उसने रन किए, यहाँ पे उसने पहले 2 मैचेस में बहुत
भरपूर आपको इम्पैक्ट दिया, अर्ली इम्पैक्ट, उसके बाद आप अगर उसको ड्रॉप करेंगे डाउन द ऑर्डर, और फिर आपको जहन में ये भी रखना चाहिए था कि लो एंड स्लो जब पिच होती है, नासिर जमशेद के जो स्ट्रोक्स हैं ही मेक्स इट के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जिसको हम कहते हैं क्रिकेट में टपाना, सो वो ऐसी विकेट में फिर दुश्वारी होती है। और जब बहुत इंटेलिजेंट कैप्टनसी थी महेंद्र सिंह धोनी की, वो युवराज को एकदम लेके आए, क्योंकि युवराज में वो पेस और बाइट नहीं है जहाँ पर यासिर जैसा जो नासिर जमशेद जैसा जो बैट्समैन है वो टाइम कर सके। अब आप देखें पूरा जाविया, आप अगर एक दूसरे एंगल से देखें तो नाउ पाकिस्तान इज लेस फेवरेट देन इंडिया एट 43 for 3। अब कमरान अकमल पे वो एम्पीटस आ जाएगा, मोहम्मद हफीज रन लेके जरूर चल सकते हैं, बट जिसको कहते हैं ना इम्पैक्ट बैट्समैन, वो इम्पैक्ट बैट्समैन नहीं है। सो नाउ अगेन एक डिसीजन की वजह से, जिस तरह आमिर आपको कह रहे हैं, डिसीजन ऑब्वियसली टीम लीडर लेता है, टीम कैप्टन लेता है, कंपैरिजन क्या है दोनों टीम कैप्टन का? कोई कंपैरिजन नहीं जी, इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी दुनिया में इस वक्त वन ऑफ द श्रूडेस्ट और जिसको कहते हैं ना स्लिक किस्म का कप्तान है, जो कि कूल कस्टमर है, उसको आपने बोलिंग तगड़ी नहीं दी हुई, फिर भी वो अपने टुट्टे पज्जे, जिसको मैं कहता हूँ स्लैंग में, रिसोर्सेज को यूज करके इंडिया की टीम को लेके चल रहे हैं, और विद सो मच ऑफ डिवाइड और पावर जो स्ट्रक्चर है उनका, वो बहुत ज्यादा, जैसा सहवाग का प्रॉब्लम है, धोनी की अपनी कोई बेस नहीं थी, वो कोई रीगल बैकग्राउंड से नहीं आया, और आके 2007 से ही हैज प्रोड्यूस रिजल्ट, T20 वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड कप ICC जिताया, बहुत स्मार्ट थिंकर है, स्मार्ट एम्प्लॉय करता है बॉलर्स को, बेस्ट यूटिलाइज करता है अपने प्लेयर्स को, और स्ट्रैटेजी उसके जो है वो इवॉल्व बहुत अच्छी करता है, सिंथेसाइज। हफीज इज ऑन द लर्निंग कर्व, अभी नए नए आए हैं, अभी काफी टाइम लगेगा एक्चुअली, बहुत सारी चीजें जो हैं ऐसे लगता है कि ही इज डिपेंडेंट फॉर डिसीजंस ऑन रेस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर्स एंड द टीम मैनेजमेंट। धोनी का ये है कि नाउ ही इज मिस्टर कूल एंड ही इज ए मच सुपीरियर कैप्टन, अगर आप कैप्टन टू कैप्टन देखें। जी आमिर बिलाल साहब, आपका एनालिसिस भी यही है? इसमें तो कोई शक नहीं कि धोनी का एक्सपीरियंस, देर इज अ माइल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन धोनीज एक्सपीरियंस एंड हफीज एक्सपीरियंस, लेकिन हफीज इज ऑल्सो अ थिंकिंग क्रिकेटर, हफीज इज इंटेलिजेंट, हफीज इज अ थिंकिंग क्रिकेटर, और हफीज को जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि हाँ टीम मैनेजमेंट का प्रेशर यकीनन हफीज ज्यादा अब ले रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, और हफीज का उस लर्निंग कर्व से भी गुजर रहे हैं। हफीज को जो एडवांटेज है टीम मैनेजमेंट का प्रेशर, ये किस किस्म का प्रेशर होता है? देखिए टीम मैनेजमेंट मींस जो टूरिंग कमेटी, जो टूरिंग मैनेजमेंट साथ होती है, जिसके अंदर टीम का कोच शामिल होता है, टीम का फिजियो शामिल होता है, मैनेजर, और मैनेजर शामिल होता है। सो जब एक टीम आपने फाइनली जब उतारनी होती है ग्राउंड में, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के और इनकी इनपुट को शामिल करके फाइनल 11 तश्कील दी जाती है। लेकिन धोनी का एक्सपीरियंस अपनी जगह पर बजा है, हफीज एक इंटेलिजेंट खिलाड़ी है, और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में हफीज एक बहुत अच्छा कप्तान पाकिस्तान की। एक चीज इसमें आमिर की बात को कि हफीज का जो मैंने प्रॉब्लम देखा पर्सनल इंटरेक्शंस में, वो सिंपल चीज को भी कॉम्प्लिकेट करके, ही थिंक्स टू मच अबाउट अ थिंग, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है जब आपको बहुत सारी आपके आइडियाज जो हैं वो फिर इवॉल्व हो रहे हो, तो उसको सिंथेसाइज करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। धोनी एक क्रिकेटिंग फॉर्म में सिंपल चीजों को इंटरप्रेट करके और ऑन ग्राउंड डिसीजन लेता है, सो दिस इज द डिफरेंस। बट इसमें ये इन्होंने जो बात की, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक, ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर हफीज का एक्सपीरियंस अभी कुछ भी नहीं है, बट ही कैन इवॉल्व इन टू अ वेरी गुड कैप्टन। मैन मैनेजमेंट की बहुत अच्छी लग रही है हफीज की, बट इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में धोनी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैप्टन। एबी डिविलियर्स जो है उनसे भी गलती है। बिलाल साहब ने जिक्र किया टीम मैनेजमेंट का प्रेशर, एक कप्तान अगर फील्ड में जा रहा है उसको इस तरह के टीम मैनेजमेंट का प्रेशर तो नहीं होना चाहिए, या मसाइल किधर है? मसाइल कोई नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जैसे कोच है उसका एक डिफाइंड रोल है, वो टूर सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा होता है। डेव वॉटमोर बड़े अथॉरिटेरियन किस्म के कोच हैं और बड़े तगड़े किस्म के कोच हैं। अथॉरिटेरियन कोच होना अच्छी बात है, वो तो आपने जब उनको कोच लिया था तो वो एज ए पैकेज आया ना, तो वो तो पता था कि स्कूल मास्टर्स फिलॉसफी के साथ आएंगे, सो दैट यू न्यू कि ही इज गोइंग टू एक्चुअली बी वेरी हार्ड, और वो अपना जगह खुद बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, हार्ड टास्क मास्टर, कई दफा ओवरबोर्ड भी चले जाते हैं। हिज ट्रैक रिकॉर्ड विद बांग्लादेश, हिज ट्रैक रिकॉर्ड विद श्रीलंका, उनको वर्ल्ड कप जिता दिया था 96 में, सो फैक्ट इज कि वो अपने अंदाज के, अपने माइंडसेट के आदमी हैं, उनके साथ आपको चलना पड़ता है, शायद वो आपके साथ ना चल पाए, सो दैट इज कि उनका बेस्ट जो आपने लेना है वो आपको थोड़ा सा उनको मतलब मेहनत समाजित करके लेना पड़ता है। और मैं यहां पर बात आपकी को आगे लेके चलूंगा कि पाकिस्तान की टीम को इस वक्त ऐसे कोच की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके इस वक्त सीनियर खिलाड़ी जो गालिबन इस टूर्नामेंट के बाद जो
जो अब आप जिनको फारिग करेंगे तो पाकिस्तान की टीम इवॉल्व होगी एज अ यंग टीम। जब आप यंग टीम को इवॉल्व करते हैं तो आपको एक हार्ड टास्क मास्टर की जरूरत होती है जो अपनी एक फिलॉसफी टीम के अंदर इंकल्केट करे, और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और उम्मीद है कि डेव वटमोर जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी टीम की तश्कील नौ में अपना किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान और क्रिकेट टीम उन दोनों का मुवाजना भी आपको बताएंगे और कुछ बात करेंगे क्रिकेट डिप्लोमेसी पे भी और साथ साथ मैच का हाल भी आपको बताते रहेंगे एक वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान की चार विकेटें 50 रन से पहले गिर चुकी हैं। हमारे पास एनालिस्ट बैठे हैं, अभी तक उनके सारे तजिये सही साबित होते जा रहे हैं, एक एक प्लेयर के बारे में भी एनालिसिस। डॉक्टर साहब 50 रन से पहले आपकी चार विकेटें गिर जाएं, T20 का मैच है और इस वक्त आपको क्या लग रहा है कितने मुश्किल हालात में है पाकिस्तान टीम? देखें, अब जितना भी प्रेशर था जो इंडिया ने सस्टेन किया है ग्राउंड में, और इंडिया ने अपने रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छी इंप्लॉय किया, उन्होंने युवराज सिंह को जहाँ पे देखा लो एंड स्लो, वहाँ पे दिक्कत होती है, और युवराज ने भी इंटेलिजेंटली बॉलिंग की जब कमरान अकमल आए और उन्होंने उनको थोड़ा सा तेज गेंद किया जो कि बाहर स्पिन हुआ जहां पे वो आउट हुए। सो आई पर्सनली फील कि अब प्रेशर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है और यहां पे वही वाली बात है कि अगर आप एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स अगर नहीं होती, चाहे वो उमर अकमल की जानिब से होती है या कोई शुएब मलिक कुछ कर पाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगा 140-145 तक पहुंचने पे भी। इस वक्त आप 120 की टीम लग रहे हैं। हमारी बॉलिंग लाइनअप कितना स्ट्रांग है हमारा कि हम इंडिया को कंटेन कर सकें, और अगर हम एक लो टारगेट भी सेट करते हैं और उसके बाद इंडिया को हम उस पर रिस्ट्रेन कर चुके हैं, हालांकि पहले आप बता चुके हैं कि तकरीबन काफी हैवी बैटिंग लाइनअप है। इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप को आपको एक टियर अवे रन थ्रू फास्ट बॉलर चाहिए होता है जो इस वक्त आपकी टीम में नहीं है। आपने स्पिनर्स पर रिलाई किया, उमर गुल जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है, रिलाई क्या करते हैं? आपके पास बेंच पे सिर्फ मोहम्मद शमी थे जिस पर कप्तान का कॉन्फिडेंस नहीं है, सोहेल तनवीर ने परफॉर्म नहीं किया, सो यू नेवर हैड एनी रिसोर्सेज कि कोई टियर अवे बॉलर हो। सो यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं वो इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, सिर्फ मोहम्मद हफीज का बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो शुरू में गेंद करें और रजा हसन कि वो एक आधा जल्दी स्किड करके अगर आउट करें। इंडिया पे प्रेशर कैसे उनकी बैटिंग पे डाल सकते हैं 130-140 के स्कोर पे जब उनके पास एक से बढ़ के एक बैट्समैन है जो कि वन आफ्टर अनदर आके इनिंग्स को पेस भी कर सकता है और बना भी सकता है। सो आई पर्सनली फील के इस वक्त जो बैलेंस है मैच का वो शिफ्ट हो गया है इंडिया की फेवर में, और बुकिए भी डेफिनेटली इस वक्त इंडिया को फेवरेट किए हुए हैं जो हमारे पास इतलात आ रही हैं। आमिर बिलाल साहब पाकिस्तान के लिए इनके कुछ डेंजरस लगे मुझे। आमिर बिलाल साहब पाकिस्तान के लिए इस वक्त उम्मीद क्या है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, किस तरह से हम कौम को बताएं कि हाँ इस मैच में हालांकि बहुत मुश्किल हालात में फंस गई है टीम, अब किस चीज से उम्मीद रखनी चाहिए? अरशद, बात यह है कि अच्छी टीमें वही होती हैं, करैक्टर उन्हीं टीमों का होता है जो जब उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो अपने आप को किस तरह से उससे निकालते हैं। एक अच्छी चीज़ इस वक्त यह है कि टीम के कप्तान ग्राउंड में मौजूद हैं और उनके साथ शुएब इस वक्त बैटिंग के लिए आए हैं, दोनों बहुत एक्सपीरियंस हैं, और इस वक्त पाकिस्तान टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। इस वक्त 20 ओवरों के मैच में कितनी पार्टनरशिप चाहिए होगी? नहीं, लेकिन जब आपकी विकेटें चार जल्दी गिर जाती हैं और इस तरह की सूरत हाल होती है जो इस वक्त पाकिस्तान की है, और आप अब भी उसी तरह की हिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप प्रेशर इस वक्त आपके ऊपर है, लिहाजा जो सिचुएशन डिमांड इस वक्त जो कर रही है कि पाकिस्तान को अगले 3-4 ओवर्स में अपनी विकेटें गंवाने की वजह से इस वक्त थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा और क्रिकेटिंग शॉट्स खेलनी पड़ेंगी, ना कि सिर्फ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था टुल्ले नहीं मारने का टाइम नहीं है इस वक्त, टुक टुक करना शुरू करें, टुक टुक भी नहीं, क्रिकेटिंग शॉट्स रोटेट करें, आपको रोटेट करें स्ट्राइक को, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें प्रॉपर तरीके के साथ खेलें। देखिए क्रिकेट में इसीलिए बड़ा जरूरी था कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मे बी एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल करता जो सीधे बल्ले से खेलने वाला होता, असद शफीक जैसे, असद शफीक है, असद शफीक की इंक्लूजन को सोचा जा सकता था अगेंस्ट इंडिया। बहरहाल ये तो जो टीम के कप्तान और मैनेजमेंट का जो उसका ऑन ग्राउंड डिसीजन था वो एक बेहतर। डॉक्टर साहब आप भी बैठे हैं, आमिर बिलाल साहब आप भी, आपके सारे एनालिसिस अभी तक सही साबित हुए, तो जिन्होंने ये टीम में बंदे रखने थे उनको नहीं इन चीजों का पता? इसमें एक चीज होती है कि पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम और भी आता है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब जैसे इमरान नजीर ने अगर बांग्लादेश के खिलाफ 36 गेंदों पर 72 कर दिए, सो अब आप लाजमी हो गया कि आप अगले मैच में उनको खिलाएं। आई पर्सनली फील जिस तरह आमिर ने कहा कि आपको कट फॉर रोल प्लेयर्स अगर आप लेके जाते हैं, नासिर जमशेद बेसिकली आपके ओपनर हैं
जो परफॉर्म भी कर चुके हैं, अगर आप हफीज के साथ नासिर जमशेद को ओपन कराएं। रुख साहब, पाकिस्तान की पांचवीं विकेट भी गिर गई है, पाकिस्तान के कप्तान भी इस वक्त आउट हो गए हैं जी, और इस वक्त अब मुझे लग रहा है कि इंडिया इज ऑलमोस्ट थ्रू जी। अब कोई मिरेकल होगा कि आप जो है वो 125 का टारगेट जो है वो भी अचीव कर पाए। एंड नाउ दिस इज वन बैड डिसीजन has rocked your boat. There is a series of bad decisions. Toss ke baad batting karne ka faisla, uske baad shayad Afridi ka faisla, batting order ka, that becomes debatable knowing ke ek aapke khilaf jo team hai wo itna heavy batting order hai, run chase kar sakti hai, aapka bowling attack itna weak hai. Aapko ye bhi pata tha ki aap depend nahi kar rahe chasing pe apne batsman ko high, yani inherent team management ke jo pressures ka zikr kiya wo team selection mein bhi aapke paas hai, team bhi aapne sahi nahi banayi hai. देख लें कि जो आपके पास रिसोर्सेज थे, अब इस तरह के, अब आमिर शायद मेरे से सहमत ना हो, इस तरह के जो मैचेस होते हैं वहां पे आपने अगर एक्सपेरिमेंट करना ही था तो आप अब्दुल रजाक जैसे प्लेयर के साथ करें जिसने एक दो ओवर करने और लंबी स्ट्रेट हिटिंग वो कर सकता है। आमिर बिलाल साहब, ये हम अपने आवाम के सेंटीमेंट्स के साथ कब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? देखिए, एक चीज तो आवाम के सेंटीमेंट है, दूसरा आवाम का प्रेशर भी है। मैं हमेशा ये प्रेशर तो होगा ना, पाकिस्तानी को लव्स क्रिकेट, इंडियंस लव क्रिकेट। इमरान नजीर को आज ड्रॉप करें या शाहिद अफरीदी को, आपके कप्तान की कप्तानी जो है वो प्रॉब्लम है। मैं इसमें एक बात जरूर, ये प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छी बात की, स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। देखिए, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट होना और चीज है, स्पोर्ट्स लिटरेट होना और चीज है। आप हम लोग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स लिटरेसी की कमी है। आमिर, इसमें एक चीज मैं आपको एक्सपेरिमेंट कर बल्कि एग्जांपल दूंगा कि अगर शाहिद अफरीदी की मैं बैटिंग को क्रिटिसाइज करता हूँ तो मुझे लाखों ट्वीट्स आते हैं मेरे अगेंस्ट, पर्सनल करेक्टर असैसिनेशन के ट्वीट्स आते हैं। रीजन बीइंग, शाहिद इज देयर हार्ट थ्रॉब। ये अब बात आ गई क्रिकेट एंथुजियाज्म, लेकिन जब क्रिकेट लिटरेसी की बात आएगी तो एक गोरा समझेगा कि जी एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन वेन पे है, उसका कभी भी सेटअप नहीं था, वो जो है उसके स्ट्रोक्स जो है वो कभी भी अच्छे प्रीएम्प्टेड नहीं होते, शॉट सिलेक्शन नहीं होती, बैलेंस नहीं होता, सो ही इज प्लेइंग फॉर द गैलरी, एटीट्यूड ठीक नहीं है। सो शाहिद अफरीदी को अगर आप अब सर गालफेड सोबर के साथ मिलाना शुरू हो जाएंगे, सो दैट इज नॉट क्रिकेट लिटरेसी, दैट इज जस्ट ओवर्ट एंथुजियाज्म। हमारे यहाँ जो सेल्फ इंपोज एक्सपर्ट्स बने हैं वो एक्चुअली क्रिकेट एंथुजियास्ट्स हैं। सो स्पोर्ट्स कल्चर जब तक इवॉल्व नहीं होगा तो ऐसे नेगेटिव प्रेशर्स आपके ऊपर चलते जाएंगे। और देखिए इसका सबूत, इंग्लैंड के पास इस वक्त दुनिया का बेस्ट टी20 का प्लेयर है केविन पैटरसन। पैटरसन को उन्होंने बाहर बैठा दिया, एक छोटी सी उसकी गलती डिसिप्लिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने किसी ने कोई टीवी प्रोग्राम नहीं किया कि जी क्यों केविन पैटरसन को आपने टीम में शामिल नहीं किया और टी20 जी के आप बिलाल साहब मिलो इस तरह से। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि हमारी टीम जब भी क्रिटिकल मैचेज होते हैं उस पर आखिर में आके इनसार दुआओं पर आ जाता है, उसकी एक वजह है ना जी। देखें, अब ऑस्ट्रेलिया ने एंड्रयू सिमंड्स, जब मैं सिर्फ थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जब आप दोनों ने एनालिसिस शुरू किया, टीम कैप्टन का भी आपने एनालिसिस दिया, उसमें आपने रेट कर दिया जी इंडियन कैप्टन वे अहेड है, माइल्स अहेड है, एप्पल्स और ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, टीम कंपैरिजन आपने एक अलग दिया, टीम मैनेजमेंट की आप लोगों ने सारी बातें की, तो हम लोग दुआओं पे क्यों एनएसआर करते हैं, इस चीज को हम लोग रेक्टिफाई क्यों नहीं करते हैं? अब रेक्टिफाई इसलिए नहीं करते जी, एक तो आपको इंटेंट चाहिए, दूसरा इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है, तीसरा आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यू हैव टू टेक स्पोर्ट्स एज एन इंडस्ट्री और इसके जो मैकेनिक्स हैं कि कॉर्पोरेट इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, टैलेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा, आवाम को आपको लिटरेसी देनी पड़ेगी स्पोर्ट्स की। अगर आप क्रिकेट ही की बात करते हैं, वैसे लिटरेसी नहीं है स्पोर्ट्स की, लिटरेसी कहां से देंगे? लेकिन आप खुद ही आप आंसर कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नेपोटिज्म पॉलिटिक्स कब जाती है, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेंच स्ट्रेंथ हो। ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि उनका क्रिकेटिंग कल्चर है, तो उन्होंने एंड्रयू सिमंड्स जैसा प्लेयर, उसको 6-7 वार्निंग दी, लेकिन वो मैच विनर था, उसने उसको ड्रॉप किया, ऑस्ट्रेलिया ने सफर किया, लेकिन उन्होंने वेट किया और रीजनरेट करना शुरू किया। अब आप देखें उनकी असेंडेंसी, टी20 क्रिकेट को सीरियसली लिया, टूर्नामेंट में आप देख लें वो किस कल्ट से खेल रहे हैं। सो ये चीजें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप कट फॉर रोल। अब मुझे एक चीज बताएं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट आपको कहां मिलते हैं? आमिर बिलाल साहब आपके साथ बैठे हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं, बट ये सारी स्पोर्ट्स बॉडी से बाहर बैठे हैं। क्यों आमिर साहब आप क्यों बाहर बैठे हैं? आप तो अपनी फाउंडेशन भी चला रहे हैं, आप ये कल्चर लाना चाह रहे थे, जो मुझे पता है थोड़ा बहुत। ये सेल्फ इनिशिएटिव है, जो ऑलरेडी आपके डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक क्रिकेट बोर्ड, वहां पे कौन सेल्फ जो आप कह रहे हैं, मुझे बताएं कि कौन एक्सपर्ट है जो आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट है? यहाँ पे तो अगर स्पोर्ट्स अम्ब्रेला की बात की जाए, पिछले आपके जो चेयरमैन थे वो तो काइनेटिक्स बायोमैकेनिक्स इसलिए बंद कर दिया था, उनको समझ नहीं आती थी, सो रेजिस्टेंस टू चेंज वो घबराते हैं, इंच की ओर हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, दैट इज व्हाट यू नीड, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके मैं एक चीज और आगे, इस पर बहुत सारी बातें उन्होंने समो दी और बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिवली आइडेंटिफाई भी कर दी है,
और ये इसीलिए नहीं होता कि लोगों के यहाँ इनसिक्योरिटीज हैं, वो नहीं चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, टीम की सिलेक्शन के अंदर टैलेंट हंटिंग दुनिया के अंदर एक बहुत ही साइंटिफिक चीज है। आपको जान के हैरत होगी कि अमरीका की एक टॉप की बेसबॉल टीम ने एक येल का एक पीएचडी को हायर किया जिसने के टीम के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस की टू सिलेक्ट द टीम। यानी अब आप ये देख लें कि वो येल का एक पीएचडी अपनी अपने अपने अंदर ला रहे हैं जिसकी पीएचडी इकोनॉमिक्स में है। अब आपको यहां पर कोई इस तरह की बात करें तो कहे यार इकोनॉमिक्स का खेलों के साथ भाई क्या ताल्लुक। तो इस तरह के लोगों की इस तरह की के अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब आमिर लाल साहब, आप दोनों बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल में रहे हैं, क्रिकेट मामलात में भी आप दोनों का काफी से थी, कौन को बताना चाहेंगे सिलेक्शन होती कैसे हमारी टीम की? देखें ये तो फर्क होता जाता है, देखें इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो रीजनल लॉबीज होती हैं, फिर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स और फेवरेटिज्म होता, फिर कुछ जो है अब अनफॉर्चुनेटली वो मैं ऑन एयर नहीं कहना चाहता, कुछ सिलेक्शंस जो हैं वो दूसरी इकोनॉमी के जोर पे होती हैं जिसको ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, वो क्या होती है, प्रेशर्स आते हैं। जिस तरह आप इंडिया में आप देख लें बहुत बड़ा माफिया है, इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान, बहुत जगह पे होता है कि आपको एक अपना एक कंडूअट चाहिए होता है जो कि ऐसा क्रिकेटर हो जिस पे आप रिलाई कर सकें। वो लोग पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी एक तो बेंच स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई, आपका प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट बेस है उसको आपने खुद खराब कर दिया। आप सिर्फ लिपस्टिक सुर्खी पाउडर लगा के कहते हैं जी हमने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसमें आप कभी भी ये नहीं सोचते कि किसका क्या रोल होगा और क्या डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन होगी। सो दीज आर द रीजन स्पोर्ट्स अम्ब्रेला नहीं आप बना पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात की, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर को मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री ऑफर करती है? आप तो सिर्फ सॉरी मैं थोड़ी सी आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट दुनिया में रिडंडेंट हो चुका, खत्म हो गया। यहां पर ऐसी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में आई हैं जो कि आईओसी के तावन के साथ आपके लिए फ्री कोर्सेज लेके आए, उन्होंने कहा हम आपको फ्री स्पोर्ट्स मैनेजमेंट शुरू करा के देते हैं, आपने सिर्फ तवज्जो ही नहीं दी। सर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम कोशिश करते हैं कि अपने रिपोर्टर सनाउल्ला से दोबारा रابطہ कायम करें, और क्योंकि आप लोगों ने तो जो एनालिसिस दे दिया पाकिस्तान टीम काफी मुश्किल हालात में, लोगों के क्या सेंटीमेंट्स हैं सनाउल्ला बताइएगा, इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, क्या सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, किस तरह से उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्या दुआएं कर रहे हैं लोग? जी सनाउल्ला, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये जिंदा दिलाने लाहौर है, उम्मीद आखिरी बॉल तक इनकी बनी रहती है। थोड़ी मायूसी है क्योंकि कोलंबो से अच्छी खबर नहीं है, लेकिन शायद इन पर उम्मीद है और तादाद जितनी हमने पहले आपको दिखाई थी उससे काफी बेहतर है। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाईं जानब भी तो एक बड़ी तादाद में शायकीन यहाँ पर मौजूद है, कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए, लेकिन कुछ जो कुर्सियों जिनको नहीं मिली है वो बाहर घास पर बैठकर इस मैच से लुत्फ उठा रहे हैं। और हम कुछ शायकीनों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनको पाकिस्तान से जीत की उम्मीद कितनी है और उनके जो फेवरेट बल्लेबाज से वो आउट हो गए हैं, अभी शुएब मलिक खड़े हैं, उमर अकमल खड़े हैं, कितनी उम्मीद है इनसे पाकिस्तान से जीत की उम्मीद है? सनाउल्ला कमेंट्स ले रहे थे और अभी भी जो हमने सुना लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, दुआएं अपनी जगह, हम सब की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं, लेकिन जैसे हमारे पैनलिस्ट और एनालिस्ट कह रहे थे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, जो टैलेंट हंटिंग के इंटेंट की बात हुई, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की, और टीम मैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के जो हालात हैं उसमें जो टीम सिलेक्शन होती है उसमें भी मामलात को बेहतर करने की बहुत सारी ज़रूरत है। दुआएं अभी भी हमारी पाकिस्तान टीम के साथ हैं, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगी, लेकिन जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उन्हें हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि दुआओं के साथ साथ कुछ परफॉर्मेंस की बेसिस पर भी हम टीम के साथ अपने जज्बात का इजहार कर सकें। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।